वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने वाज और वर के बारे में पढ़ा था। वाज और वर जैसे इज एम आर जो वर्ब हैं, और लाइक इज एम आर वाज एंड वर आर वर्ब्स टू। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था जैसे इज एम आर ये वर्ब हैं, उसी तरह वाज और वर ये भी वर्ब हैं। क्या है? वर्ब्स हैं, ये भी वर्ब्स हैं। जैसे इज एम आर वर्ब्स हैं, उसी तरह लाइक इज एम आर है ना, वाज एंड वर आर वर्ब्स टू, ये भी वर्ब्स हैं, है ना। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इसको कि वर्ब्स का इनका वाज और वर का यूज जो हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। और वाज एंड वर का यूज हम लोग पास्ट का जो इन्फॉर्मेशन देना होता है यानी बीते हुए समय का, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वाज एंड वर का, ठीक है। एंड सेकेंड मैंने ये भी बताया था कि वाज का यूज जो है हम लोग सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ करते हैं, है ना। वाज का यूज सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन के साथ करते हैं, ठीक है। और वर का यूज हम लोग प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के साथ करते हैं, और यू के साथ, है ना, यू के साथ हमेशा क्या आएगा, है ना, वर आएगा। चाहे यू जो है आपको प्लूरल के रूप में यूज हो या फिर सिंगुलर के रूप में यूज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना, ठीक है। वी ऑलवेज यूज वर विथ यू, है ना, वेदर यू इज यूज्ड एज ए सिंगुलर नाउन और ए प्लूरल नाउन, है ना। ये सिंगुलर के रूप में भी यूज होगा तो भी, या फिर प्लूरल के रूप में यूज होगा तो भी, इसके साथ दोनों ही कंडीशन में ये वर ही आएंगे, वाज नहीं आएगा, ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। कल मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज ए बी एंड सी आपको सॉल्व करने के लिए। आज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, और अगर आपने बनाया होगा तो आप उसको आंसर को, अपने आंसर को मैच कीजिए उससे, देखिए कि कितने सही आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितना सही आपने बनाया है। जो सही होगा उसको टिक कर लीजिएगा, और जो गलत होगा उसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट जो है एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 30 पे, राइट। और फर्स्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वाज और वर, है ना, इसमें वाज और वर के साथ फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। एक इसमें आपको करके दिया गया है, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है वी फिल इन द ब्लैंक्स इन गोवा इन जून लास्ट ईयर। यहाँ पे डब्ल्यू ई आर यू वर्ब को फिल किया गया है, राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वी, और वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब। तो इसलिए इसमें क्या फिल किया गया है, वर्ब। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड है आई, तो आई तो आप जानते ही हैं, आई फिल इन द ब्लैंक्स अनवेल यस्टरडे, है ना, अनवेल का मतलब अच्छा महसूस नहीं करना, तो अनवेल यस्टरडे, तो आई के साथ तो हम लोग हमेशा वाज ही यूज करेंगे, आई वाज होगा, क्योंकि आई सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है और आई जो है सिंगुलर है। उसके बाद यू, यू के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि जैसे ही यू आएगा तो वो चाहे सिंगुलर के रूप में यूज हो या फिर
और प्लूरल के रूप में आपको वर ही यूज करना है, तो यू वर नॉट एट होम व्हेन आई कॉल्ड, है ना। तो यू के साथ हम लोग वर का ही यूज करेंगे। फोर, ठीक है, आवर टीम, टीम क्या है, कल मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज और, कि जैसे ही अगर कोई कलेक्टिव नाउन आता है ना, अगर कोई कलेक्टिव नाउन आता है तो उसके साथ हम लोग और सिंगुलर के सिंगुलर ही यूज, सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। चलिए इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे टीम, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम में और बहुत सारे प्लेयर होते हैं, है ना, तो बहुत सारे प्लेयर्स मिलके जो है एक टीम बनता है, तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है, राइट। तो ऐसा नहीं कि टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो वो प्लूरल के जैसा यूज होगा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो कलेक्टिव नाउन्स के साथ यूजुअली जो है वो सिंगुलर वर्ब का ही यूज हम लोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वॉज का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। आवर टीम वॉज डिलाइटेड, आवर टीम वॉज डिलाइटेड व्हेन आवर प्रोजेक्ट ऑन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वेदर वॉज, इसमें क्या हो जाएगा, वॉज, द वेदर वॉज प्लीजेंट सो वी डिसाइडेड टू गो आउट, द स्नैक्स एट द पार्टी, द स्नैक्स एट द पार्टी वर वेरी टेस्टी। 7, इट वॉज, राइट, इट वॉज डार्क वेन फादर केम बैक, इट वॉज डार्क वेन फादर केम बैक, यानी जब फादर लौट के आए, है ना, तो क्या था, अंधेरा था, इट वॉज डार्क। नेक्स्ट, वाई फिल इन द ब्लैंक्स, यू लेट टू स्कूल यस्टरडे, Why fill in the blanks? You late to school yesterday. Why was? है ना, हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, was हो जाएगा, राइट। तो हम लोग देखे, हम लोगों ने देखा यहाँ पे was और were का यूज। चलिए आप अपने आंसर को से मैच कर लीजिए, सही है या फिर गलत है। इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि वाज और वर का यूज कहाँ पे करते हैं, सिंगुलर, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो हम लोग सिंगुलर यानी वाज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो फिर वर का यूज करेंगे। चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, अबाउट 20 गेस्ट, यानी 20 गेस्ट थे, तो ये प्लूरल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट जो है इसमें भी करके दिया गया है, इसमें जो है आपको देयर वॉज और देयर वर फिल करना है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद देयर वॉज और देयर वर, एक इसमें करके बताया गया कि देयर वॉज समवन एट द डोर जस्ट ए वाइल
एगो देर वॉज समवन एट द डोर, यानी कुछ देर पहले दरवाजे पे कोई था, जस्ट ए वाइल गो, है ना। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स, अबाउट 20 गेस्ट एट आवर हाउस लास्ट संडे। अबाउट 20 गेस्ट यानी मोर देन वन है, यानी एक प्लूरल हो गया। तो देर वर ठीक है, 20 गेस्ट। सेकेंड में हम लोग फिल करेंगे, देर वर अबाउट 20 गेस्ट एट आवर स्कूल एट आवर हाउस लास्ट संडे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, एक क्लाउन मतलब जोकर एट संध्याज बर्थडे पार्टी। ए मतलब एक सिंगल, देयर वॉज क्या हो जाएगा, देयर वॉज अब देखिए यार, रेयर फिल इन द ब्लैंक्स, रेयर पेंटिंग्स यानी बहुत सारे पेंटिंग्स थे, है ना, ऑन डिस्प्ले एट द नेशनल म्यूजियम। तो देयर वर होगा यहाँ, देयर वर रेयर पेंटिंग्स ऑन डिस्प्ले एट नेशनल म्यूजियम। रेयर मतलब जो बहुत मुश्किल से मिलने वाला पेंटिंग होता है, रेयर पेंटिंग्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, ए पप हाइडिंग इन दीज बुशेज इन द मॉर्निंग। फिल इन द ब्लैंक्स, ए पप हाइडिंग इन दीज बुशेज इन द मॉर्निंग। ए पप यानी देयर वॉज ए पप, देयर वॉज ए पप। 5 हो गया, सॉरी ये 2 नंबर का है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अब ये 6 है। 1 आपका पहले से किया हुआ, सॉरी 6। फिल इन द ब्लैंक्स, ए कॉमेडी शो ऑन टीवी लास्ट नाइट। देयर वॉज ए कॉमेडी शो, देयर वॉज देयर वॉज ए फ्राइटनिंग, ठीक है। 8 देयर वर टू किटेंस हेयर ए शॉर्ट वाइल एगो, देयर वर टू किटेंस यानी टू किटेंस है तो ये प्लूरल नाउन है, यहां पे देयर वर होगा। चलिए ये हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इसमें फिल किया हुआ है देयर वॉज, सेकेंड में होगा देयर वर, थर्ड में देयर वॉज, फोर्थ में देयर वर, इन फिफ्थ देयर वॉज, सिक्स देयर वॉज, सेवेंथ देयर वॉज, एट देयर वर। ओके चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, पेज नंबर 31 पे है, ठीक है। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद वाज और वर, है ना। इसको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें वाज एंड वर को फिल करना है, एंड द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ब्रैकेट्स में एक वर्ब दिया हुआ है जिसमें उसका ING फॉर्म यूज करना है ना। एक आपको इसमें करके बताया गया है, जैसे फर्स्ट में है आई फिल इन द ब्लैंक्स द ब्रिज व्हेन आई स्पॉटेड ए डियर इन द डिस्टेंस, और फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, सॉरी ये ब्रैकेट में दिया हुआ है क्रॉस। तो आई है
तो आई तो हम लोग जानते हैं सिंगुलर होता है, तो आई के साथ वाज पहले लगाएंगे, और क्रॉस दिया हुआ है तो सी आर ओ डबल एस, इसमें आई एन जी फॉर्म करना है तो क्रॉसिंग, ये आपको करके दिया हुआ है। इसी तरह फिर हम लोग सेकेंड देखते हैं साहिल, फिल इन द ब्लैंक्स, और भर दिया हुआ वाटर इन द प्लांट्स व्हेन मेहुल सॉ हिम। अब देखिए यहाँ पे साहिल दिया हुआ है, तो साहिल भी क्या है, एक ही नाम है, तो ये सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर जैसे ही होगा तो हम लोग वाज का यूज करेंगे, वाज का, राइट। और भर्ब है वाटर, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए टी ई आर आई एन जी, वाटरिंग कर देंगे, है ना, भर्ब का आई एन जी फॉर्म लिखना है, तो वाटर का हो जाएगा वाटरिंग। थर्ड में हम लोग देखते हैं द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, है ना, तो द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है ना, चाइल्ड का, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, चाइल्ड का ये प्लूरल फॉर्म है ना, चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन, जैसे ही चिल्ड्रेन है ये प्लूरल प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू ई आर ई वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, डांस, तो यहाँ पे हो जाएगा डांसिंग, डी ए एन सी आई एन जी, डांसिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए फोर नंबर पूजा, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, पूजा, और पूजा एक ही सिंगल नेम है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज, क्या हो जाएगा, वाज, और भर्ब क्या है, प्रैक्टिस, तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग, पी आर ए सी टी आई सी आई एस आई एन जी, प्रैक्टिसिंग, सॉरी, प्रैक्टिसिंग, ओके। नेक्स्ट वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट एज इट, वी डिसाइडेड यानी हम लोग, We decided not to go out, है ना, हम लोगों ने ये decided किया कि बाहर नहीं जाना है, as it was होगा यहाँ पे, ठीक है, फाइव में it was raining, rain है तो raining हो जाएगा, r a n i n g, raining। नंबर सिक्स फिर the children, तो the children जैसे ही होगा तो यहाँ पे word हो जाएगा सबसे पहले, क्या हो जाएगा, वर्ब, और वर्ब है ईट, तो ईटिंग हो जाएगा, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग, राइट। अब हम लोग देखते हैं नंबर सेवन, वी, वी है यानी हम लोग, यानी प्लूरल प्रोनाउन है, तो जैसे ही वी है तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, वी वर, राइट, वी वर, भर दिया हुआ है लुक, तो हो जाएगा लुकिंग, एल डबल ओ के आई एन जी, लुकिंग, इसमें हम लोग फिल करेंगे, वी वर लुकिंग एट ए टाइगर्स पग मार्क्स इन द मड व्हेन वी सडनली हर्ड ए रोर, ओके। नंबर एट मदर, अब देखिए मदर यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, मदर वॉज, मदर वॉज, वर्ब है पार्क, तो इसमें आई एन जी फॉर्म होगा, पी ए आर के आई एन जी, पार्किंग द कार व्हेन वी स्टेप्ड आउट, ओके। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को, इसको पूरा करना था, आप देख लीजिए, ठीक है। तो सेकंड में हो गया साहिल वॉज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन मेहुल सॉ हिम, राइट। थर्ड द चिल्ड्रेन वर डांसिंग when a big balloon burst, okay. Next, four, in four, Pooja was practicing spelling when her mother called, okay. Number five, we decided not to go out as it was raining. The children were eating their lunch when father came in. Next seven, we were looking at a tiger's pug marks in the mud when we suddenly heard a roar.
राइट, मदर वॉज पार्किंग द कार वेन वी स्टेप्ड आउट। ठीक है, यहां भी लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। तो इन दिस वे योर चैप्टर इज एंड, और नाउ वी आर स्टार्ट न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग। हम लोग अब नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। चलिए इसको अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।